हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम एक और शॉर्ट स्टोरी देखेंगे, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मंकी ऑन एन एप्पल ट्री। एक बार की बात होती है, एक मंकी, एक बंदर एप्पल ट्री पर रहता है। द एप्पल्स वर अ ब्राइट रेड कलर एंड एक्सट्रीमली जूसी। जो सेब होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेड कलर में और बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है। वन डे अ क्रोकोडाइल केम टू द ट्री एंड आस्क्ड द मंकी फॉर सम एप्पल। एक दिन एक मगरमच्छ आता है पेड़ के पास और वो मंकी से पूछता है, बंदर से पूछता है कुछ एप्पल्स के लिए, कुछ सेब के लिए। द मंकी वॉज ग्लैड टू हेल्प। उसे खुशी होती है मंकी को उसकी हेल्प करने के लिए। ही इवन गेव द क्रोकोडाइल सम एप्पल्स टू टेक होम फॉर हिज वाइफ। वो उसे तो देता ही है, बट उसकी वाइफ के लिए भी वो कुछ एप्पल्स उसके घर ले जाने के लिए देता है। व्हेन हिज वाइफ टेस्टेड द एप्पल्स, जब उसकी वाइफ ने उन एप्पल्स को टेस्ट किया, शी ग्रू क्यूरियस टू टेस्ट द मंकीज हर्ट। तो वो क्यूरियस हो गई कि उसे मंकी का हर्ट खाना है, उसे टेस्ट करना है। शी परसुएडेड हर हस्बैंड टू गेट द मंकीज हर्ट फॉर हर और एल्स शी वुड डाई। वो अपने हस्बैंड से, उस मगरमच्छ से कहती है कि तुम मुझे जो बंदर है, बंदर का दिल ला कर के दो, उस मेरे मरने से पहले मुझे उसका दिल चाहिए। द क्रोकोडाइल वॉज इन डिलेमा बट फाइनली एग्रीड। पहले तो वो क्रोकोडाइल दुविधा में पड़ जाता है, बट वो फाइनली एग्री, सहमत हो जाता है। द नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू द शोर, शोर के जब किनारे आता है वो समुद्र के, तो वहाँ पर होता है ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज होम। वो उसे इन्वाइट करता है घर के लिए। द मंकी ग्लैडली एक्सेप्टेड। मंकी तो उसे फ्रेंड समझता है, तो वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। ही सेट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी। वो क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठ जाता है और वो अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्ट करते हैं। व्हेन दे रीच द मिडिल ऑफ द वाटर, जब वो पानी के बीच में पहुंचे, द क्रोकोडाइल स्टार्टेड सिंकिंग लो एंड टोल्ड द मंकी ऑफ हिज प्लान। तो जो क्रोकोडाइल है उसने सिंकिंग करना स्टार्ट किया और वो उसे बोलता है अपनी प्लान के बारे में। द मंकी डिड नॉट लूज हिज पेशेंस ऑफ माइंड एंड सेड दैट ही हैड लेफ्ट हिज हर्ट ऑन द ट्री एंड दैट द क्रोकोडाइल वुड हैव टू टेक हिम बैक। मंकी ने अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना धैर्य नहीं खोया। उसने उपाय सोचा उस समय कि उसने उससे बोला मगरमच्छ से कि जो मेरा हर्ट है वो तो पेड़ पर ही रह गया, पहले तुमने बताया नहीं तो मैं उसे भी संग में लेकर आता, अब तुम्हें उसके लिए मुझे वापस से वहाँ पर ले जाना होगा। द फुलिश क्रोकोडाइल टुक हिम बैक टू द शोर। जो मूर्ख क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, वो उसे वापस से शोर पर लाता है, किनारे पर लाता है। एट वंस द मंकी लीप्ड ऑन द ट्री एंड टोल्ड द क्रोकोडाइल दैट ही वॉज द बिगेस्ट फूल ऑन द प्लेनेट एंड द मंकी हैड मेड अ मिस्टेक इन ट्रस्टिंग हिम। मंकी ने फटाफट से जंप किया ट्री पर और ट्री पर चढ़कर के वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ से बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है, इस प्लेनेट का, इस धरती का सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी है, और मंकी ने उस पर जो ट्रस्ट किया था वो बहुत ही ज़्यादा गलती करी उस पर ट्रस्ट करके। ठीक है, तो इस तरह से जो बंदर है उसने अपनी जान बचा ली। मॉरल मिलता है, बी कॉशियस ऑफ यू हु यू आर बी फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड मे बी योर बिगेस्ट एनिमी। आप जो अपने आसपास मित्र होते हैं उनसे सावधानी पूर्वक रहें, तुम्हारा जो बेस्ट मित्र होगा ना, बेस्ट फ्रेंड होगा, वो भी तुम्हारा सबसे ज़्यादा भयंकर शत्रु हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ अवेयर रहे और कॉशियस रहे अपने फ्रेंड से भी इवन। ठीक है, तो ये स्टोरी डन होती है क्रोकोडाइल एंड मंकी की। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह और शॉर्ट स्टोरी हम देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।